खुशामदीद नाज़रीन। चंदनगुट्टा पुलिस ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए एक शख्स का गुमा हुआ सोना उसे वापस दिला दिया। तफसीलात के मुताबिक शाहीन नगर का रहने वाला मोहम्मद रहीम, जो पेशे से एक प्राइमरी स्कूल टीचर है, वो अपनी बीवी का 250 सोना पॉलिश करवा कर वापस आ रहा था। चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन के करीब रास्ते में उसकी गाड़ी फिसल गई और सोने की थैली गिर गई। इस चीज़ के बाद मोहम्मद रहीम ने अपनी गाड़ी उठाई और अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे ख्याल आया कि उसके पास 250 सोना है। जब उसने गाड़ी में थैली देखी तो उसे थैली नहीं मिली। इसके बाद वो उस जगह जा पहुंचा जहां पर वो गिरा था। ढूंढने पर सोने की थैली नहीं मिलने पर उसने चंदनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीआई प्रसाद वर्मा की टीम निखिल, प्रशांत, नंदकिशोर, प्रवीण ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए सोने को ट्रेस कर लिया और मोहम्मद रहीम के हवाले कर दिया। डीआई प्रसाद वर्मा की टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर चंद्रंगुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर जनाब रुद्र भास्कर ने डीआई प्रसाद वर्मा की टीम को इनाम से नवाजा। इस मौके पर मोहम्मद रहीम ने चंद्रंगुट्टा पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया। चंद्रंगुट्टा पुलिस काबिले तारीफ है, जिसने शिकायत के कुछ देर में ही सोने को ट्रेस करके उसके मालिक के हवाले कर दिया। पॉलिश कराने के सत्यनारायण से लेके मैं आ रहा था यहाँ चंद्र अपने पुलिस स्टेशन की बैक साइड में गाड़ी स्लिप होकर इससे निखिल बैग से गिर गए। लिहाजा मैं जब भी साथ ही आकर और निखिल प्रशांत को रिस्पांस ऐसा ऐसा चले गया बोलते बोलते वही वो लोग 5 मिनट या 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी के नंबर आइडेंटिफाई करके मेरी चीज़ मेरे दिलाए। उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कितना था सोना? 250 सोना था। कंप्लेन कहाँ दिए थे आप? यहीं अपने पी एस पी चंद्रंगुट्टा पी एस स्टेशन।